भ्रष्टाचार के आरोप में शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सियासी हंगामा भी चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के उनकी गिरफ्तारी की। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीआईडी ने सबूत दिखाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा कि मैंने कोई चोरी या भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैंने उनसे सबूत दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाने से भी इनकार कर दिया। मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एक FIR में जोड़ दिया गया है। टीडीपी प्रमुख को कौशल विकास घोटाला मामले में कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग यानी CID ने हिरासत में लिया है। इस मामले में 2021 में FIR दर्ज की गई थी। सुबह जैसे ही पुलिस टीडीपी प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, उन्हें टीडीपी कार्यालय में विरोध का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों और नायडू के समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई। नायडू को इस मामले में आरोपी नंबर एक के रूप में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल जाँच के लिए नंगहाल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद एक शिविर में उनका मेडिकल चेकअप किया गया। नायडू को सड़क मार्ग से नंगहाल से विजयवाड़ा ले जाया गया। पहले खबर थी कि पुलिस उन्हें फ्लाइट से ले जाएगी। नायडू को दिए गए नोटिस में CID की आर्थिक अपराध शाखा को उपाधीक्षक ने कहा कि आपको सूचित किया जाता है, आपको सुबह 6 बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुर स्थित मूल सागरम के आवास के RK फंक्शन हॉल से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक गैर जमानती अपराध है। नोटिस के मुताबिक नायडू को धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, 420 यानी धोखाधड़ी और 465 यानी जालसाजी सहित भारतीय दंड संहिता IPC के अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। नोटिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश CID ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ लगाई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि नायडू को नोटिस दंड प्रक्रिया की धारा 50(1)(2) के तहत दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।